कि 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी जी भैया, 1.5 करोड़ रुपए हम लौटा देंगे, अब बताओ मंगेश यादव कब दिलवाएंगे वापस इस परिवार को। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी जिनका एनकाउंटर कर रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, और जिनका एनकाउंटर करना चाहिए वो ये रहे। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाना आप। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे। धनंजय सिंह 46 मुकदमे। राजा भैया 31 मुकदमे। डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे। अशोक चंदेल 37 मुकदमे। विनीत सिंह 34 मुकदमे। ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। मोनू सिंह 57 मुकदमे। सोनू सिंह 48 मुकदमे। अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे। पिंटू सिंह 23 मुकदमे। रानी सिंह 48 मुकदमे। संग्राम सिंह 58 मुकदमे। चुन्नू सिंह 42 मुकदमे। याशा सिंह 88 मुकदमे। और ये तो बात छोड़ो आप, हम एक बात कहना चाहेंगे, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कितने मुकदमे हैं इसकी भी जांच हो, उसे भी आप लोग उठाने का काम करें। देखिए साहब, एनकाउंटर सल्यूशन नहीं है, और पीड़ा हमें तब हुई है जब हमारा व्यक्ति दोषी नहीं था। और अगर ऐसे आप हत्याएं करेंगे, जान लेंगे किसी की, तो एक चीज का ध्यान रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितने नाम आपने गिनवाए सब नाम के बाद में सिंह लगे हुए थे, क्या बताना आप चाह रहे हैं कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, किसी विशेष जात को? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। बैकवर्ड एससी समाज को टारगेट किया जा रहा है। आप एक बात बताइए भैया, वो बिपिन सिंह उसके ऊपर 38 मुकदमे हैं, उस पे सिर्फ सरेंडर किया गया, भैया को लता रहा है, कार्रवाई नहीं हुई। उसे सर एप्लीकेशन भी दिया गया था 2 बार जो है पेश होने के लिए, और इनका सीधा एनकाउंटर कर दिया जाता है, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या, दिख गया आपको तो जातिवाद का कितना भयानक रूप इस प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है, और आपको आज ऐसी घटना सुनने के लिए देखने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रदेश में देश में फैल गई है। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, हम रोज सड़कों पे घूमते हैं, हम यही चीजें देखते हुए आ रहे हैं कि प्रदेश में कैसी हालात, कैसी स्थिति बन चुकी है। वो बच्चा जो अपने घर का इकलौता चिराग है, उसके माँ का आंचल, वो लोग इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने कभी परिवार नहीं देखा। इस दर्द को वही बेटी समझ सकती है, वही बहन समझ सकती है, वही माँ समझ सकती है, वही बाप समझ सकता है जो परिवार के बीच रहा हो और अपने बच्चों से उसकी कुछ जुड़ाव रहा हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जाति को देखकर घटनाएं हो रही हैं। भैया मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए गगन यादव क्या करेंगे? पूरा संगठन पीड़ित परिवार से हमने कह दिया है जी, हमें जब भी वो आवाज लगाएंगे हम उनकी लड़ाई में उनके साथ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। ऐसे सर तमाम लोग आ रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष तो आप भी आ रहे हैं, आपसे क्या लोग उम्मीद रखे? हमसे ये उम्मीद रखो जी, हमें बैठा लो यहाँ पे, फिर उम्मीद देखना हो देखो आप योगी क्या उम्मीद। रुको, उम्मीद क्या होती है ये मैं समझ रहा हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आप हर किसी से पूछते हैं जी, और इसका रिपीटेड जवाब एक नेता की तरह मैं देना उचित नहीं समझता कि मैं इनके लिए जान दे दूंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोटी भी खाऊंगा, मैं पानी भी पीऊंगा, और इस बार ऐसी मजबूती से लड़ूंगा कि 27 में सरकार हिला देंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति, और तब दिखाएंगे हम आपको कि प्रदेश चलता कैसे है, राजा किसे बनाया जाता है, प्रजा की सेवा कैसे होती है। ऐसी घटनाएं अगर आज हो रही हैं तो आप विचार करके देखिएगा, कल को सरकार अगर बदलती है और ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या इस प्रदेश के आप बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देश का युवा कभी भी कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा, और सोचने के बाद कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके अंदर एक डर होगा। आप लोगों ने डर बैठा रखा है, सरकार ने डर बैठा रखा है, कोई अगर आवाज उठाए
सही मुद्दों पर भी आवाज उठाए तो आप उसे मरवा देते हैं। ये ठोको नीति कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? सत्ता गगन जी, जब लूट कांड किया जाता वहां पर पिस्टल लेकर अंदर लोग गए थे, डकैत लोग। योगी जी कह रहे हैं कि अगर उस पिस्टल से किसी निर्दोष की जान मार दी जाती तो क्या समाज आप हमें जान वापस आप हमें सबूत दिखाइए कि पिस्टल मिली थी और उसके हाथ में मिली थी। और रही बात की अगर किसी की जान चले जाती तो क्या वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उस जान के बदले जान दे पाते? तो ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं सरकार से। मंगेश यादव, आज इस घर का आंगन सूना हुआ है, अगर वो निर्दोष पाया गया पूरी जांच होने के बाद, तो क्या योगी सरकार, क्या योगी जी दूसरा मंगेश यादव इस माँ को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस बाप को दे पाएंगे? आप बात कर, आपने पॉलिटिकल लड़ाई बना दी, आपने पार्टी पार्टी को जोड़ दिया, आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे, आपने वो मां नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है, आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में। आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा सपा, भाजपा सपा, इंसानियत कहां गई? इंसानियत खत्म हो गई इस राजनीति के चक्कर में। भाजपा सपा पर उंगली उठाएगी, पत्रकार मसाला ढूंढेंगे, उन्हें कंटेंट चाहिए कि कैसे हमारे व्यूज, कैसे हमारे लाइक्स बढ़िया आए। अरे आप एक बार घर की तरफ कैमरा घुमाओ, आप दिखाओ, आप 24 घंटे कैमरा वहीं पर रखो, देखो कितनी बार उनकी मां 24 घंटे में बेहोश हो रही है, दिन भर बेहोश रहती है भैया, बताओ ना फिर, दिखाओ लोगों को, ये दिखाओ योगी जी को ये कि मां तो आपकी भी होगी। ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश, ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश कि आप यादव नाम देख के गुंडा साबित कर दो, किसी को गैंगस्टर लगा दो। हमारे पास सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इतने मासूम लोग हैं जो एक चीटी नहीं मार सकते होंगे, वो गैंगस्टर के शिकार हैं, गैंगस्टर जैसे मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं। बताइए, आपके पास युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं युवाओं को लेकर? मैं कह तो रहा हूं आपको, ये एक मामला नहीं है आज का, ऐसे तमाम घटनाएं रोज होती हैं। प्रोटेस्ट अगर होगा तो निसंदेह देश में, ना सिर्फ प्रदेश में, एक देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि ये सरकार विफल है प्रदेश चलाने में, देश चलाने में। और अगर ऐसे लोग गद्दी पर बैठे रहे तो ना जाने कितनी माओ की कोख उजड़ जाएंगी, कितनी बहनें उम्मीद लगाए जो बैठी होंगी कि कभी मेरा भाई मेरे जीवन में सहारा बनेगा, मुझे अगर तकलीफ होगी तो मुझे सहारा देगा, ऐसी कई बहनें बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। जहां तक हमें ये परिवार आदेश देगा वहां तक जाएंगे। मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता कि इस बार सरकार भी बदल के दिखाएंगे। गगन जी, इसके पहले पुष्पेंद्र यादव को, पुष्पेंद्र यादव को मारा गया, और मैं सरकार बदलने वाली अगर बात कह रहा हूं तो मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम ना सिर्फ मंगेश की माँ बल्कि हम सब की मां रो रही होगी, हम सब की माँ की आत्मा तड़प रही होगी। तो सरकार उन माँ की बद्दुआओं से बदलेगी, देखना। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, इससे अभी मंगेश की हत्या हुई, 10 दिन बाद किसी और का हो जाएगा, तब तो ये मसला जो है सिमट जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ कि रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम लोगों को रोज लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक ऐसी घटनाएं प्रदेश में बंद नहीं हो जाती। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर देश के किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है, और ये बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन वो चीजें आपको दिखाई नहीं जाती हैं जिससे कि हलचल ना मचे बाहर। सारे क्राइम रेट्स कम करके आपको दिखाए जाते हैं, कब तक चलेगा ऐसे? सवाल उनसे कीजिए आप लोग, हम तो यहाँ पे सहानुभूति देने आए हैं परिवार को, और उन्हें बताने आए हैं कि आगे भी भविष्य में
आप लोगों के साथ, इस बहन को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बाकी काम आप लोगों का भी है, हम तो रोज लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं हम। परिवार सीबीआई की मांग कर रही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी निकाली जाए जिन लोगों ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है, उन लोगों को भी डिटेल्स निकलनी चाहिए। ऐसे तो आप रातों रात, आपके ऊपर भी लग जाएगा मुकदमा कल को, आप बनके दिखाइए। एसटीएफ टीम में वहां पे देखा गया, आपके ऊपर भी 1,00,000 का मुकदमा लगेगा। करिए सवाल अब, एसटीएफ टीम में वहां पे देखा गया ऑफिसर के पैरों में स्लीपर थे, क्या स्लीपर पहन के मुठभेड़ किया जाएगा? आपके पैर में चप्पल थे, देखा वो हमने, क्या ये तथा कथित जांच जांच होगी और आज नहीं तो कल। ये हमारी जुबान है इस पीड़ित परिवार को, आज नहीं तो कल जांच भी होगी और असली दोषी भी आप लोगों के सामने खड़ा होगा। डीके साई की पत्नी भाजपा की पदाधिकारी, महिला आयोग का सदस्य बना दिया गोरखपुर। डीके साई की पत्नी जो है भाजपा की पदाधिकारी है, हाँ। महिला संगठन के, महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया उनको इस एनकाउंटर के बाद। कथित एनकाउंटर था, देखिए वही चीजें आप घूम फिर आके पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है? एक बार आपको जवाब दे दिया है कि एनकाउंटर एनकाउंटर की मंशा से नहीं किया गया है, इसके पीछे कुछ और बात है और ये सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए किया गया है और किसी की जान ली गई है। भैया एक लास्ट सवाल बता दीजिए, जिस प्रकार 1.5 करोड़ की डकैती हुई उसके बाद मामला पूरा चर्चित हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस पे प्रश्न तमाम खड़े हुए कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो क्या मंगेश यादव को कहीं एक कमजोर परिवार को बलि का बकरा नहीं बना दिया गया लोगों की जबान पे ताला लगाने के लिए कि इनकाउंटर में मारा गया मुख्य आरोपी? इस देश में कमजोर आदमी हमेशा पिसेगा, कमजोर आदमी हमेशा मारा जाएगा, ताकतवर को कोई उंगली भी नहीं दिखा सकता। हमें दिखा के दिखाओ मंगेश यादव को। लेकिन जी भैया, अब जो कमजोर है उसके साथ भी ताकत बन के हम लोग खड़े हुए हैं, अब कोई कमजोर नहीं है, अब कोई कमजोर नहीं है। और आगे के लिए कह देना चाहते हैं, ये घटना तो हो गई, आगे ऐसी घटना करने लायक तुम बचोगे नहीं। मंगेश यादव को न्याय दिलाने के बाद करनी चाहिए आर्थिक सहायता, बिल्कुल करेंगे और हम लोग भी इनका सरकार लगाना चाहते हैं। राजवीर यादव सरकार जान ले ली, जो उसे गुंडा बताने का काम कर रहा, गैंगस्टर बताने का काम कर रहा था, वो क्या आपकी सहायता करेगा? सहायता हमें और आपको मिलकर करना। राजवीर यादव भैया जो है फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू 51,000 तक का लोन लिया, हमको एक टारगेट दे दो, आपको हमें कितने पैसे जुटाने और दिन बता दो कि इतने दिनों में कितने पैसे जुटाने हैं, उतने जुटा देंगे। और रही बात 1.5 करोड़ की, कि 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी जी भैया, 1.5 करोड़ रुपए हम लौटा देंगे। अब बताओ मंगेश यादव कब दिलवाएंगे वापस इस परिवार को? अब आप लोग चर्चा इस, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए हम देंगे मंगेश यादव को, इस परिवार में वापस भेजा जाए।